हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से मैं ऋषभ पांडे स्वागत करता हूं आप सबका ज्योग्राफी के इस PYQ रिवीजन सेशन में। कम ऑन एवरीवन, गेट कनेक्टेड फास्ट सो दैट वी कैन स्टार्ट विद इट। एज आई कैन सी मेनी गेटिंग कनेक्टेड नाउ। सो हरी अप। कम ऑन गाइस, फास्टर फास्टर, गेट कनेक्टेड फास्ट। आई होप एवरी वन इज रेडी नाउ। आकाश गुड आफ्टरनून, अर्जुन गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल। सो गाइस, जल्दी से शेयर कर दिया सभी ने। अर्जुन कल के सेशन में नहीं थे। वॉन्ट ऑल माई स्टूडेंट्स टू बी रेगुलर एंड पंक्चुअल। All right. So now we are starting with it. This is the fifth session of our PYQ revision. And when we say fifth session of PYQ revision, it means that a lot has been completed. तो तुम लोगों ने अभी तक वो सभी टॉपिक्स को रिवाइज किया या नहीं किया मेरे को क्लियरली बता देना, और अगर कोई डाउट किसी भी एस्पेक्ट में रहा हो तो वो भी बता देना, विल क्लियर आउट। ऑल राइट, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, एक एक चीज़ आपकी क्लियर आउट हो जाए ताकि आप एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर सको। सो इफ एनी वन इज़ हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी प्लीज़ बता देना मेरे को। ऑल राइट, कुछ भी पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। चलो Now let's begin with that. So basically, मेरा नाम सभी जानते हो, आई एम ऋषभ पांडे, और पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है ऑन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड। बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ एंड वन ऑफ देम इज स्टिल विद मी। ऑलराइट, और GK, GS, करंट अफेयर्स, इवन इंग्लिश में सुनोगे बहुत लोगों से मेरे बारे में। So I have also qualified various competitive examination, guided 1,000+ students to their success, and now it's time for you all to get connected with me in your success journey. But before starting with that, let's have a motivation round. जैसे कि मैंने कल भी कहा था, उसी चीज़ को repeat करेंगे। I too had a bad day with my health, so I always feel that never regret a day in your life. देखो, गुड डेज गिव यू हैप्पीनेस, व्हेन यू आर गुड यू एक्सप्लोर मोर, यू स्ट्राइव मोर एंड यू गेट मोर। बैड डेज एक्चुअली गिव यू एक्सपीरियंस कि आप उस दिन पर कैसे कर सकते हैं, और कभी कभी वो बैड डे आपका वर्स्ट डे हो जाता है जब आप वहाँ से कुछ लेसन्स लेके जाते हैं। लेकिन लिटरली फिर एक आता है, एक बेस्ट डे, जिस दिन हमारा सारा हार्डवर्क हमें सक्सेस देता है और उसको चेरिश करते हैं एक मेमोरी की तरह।
सो अगेन विद दैट आई विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट वॉज द होमवर्क क्वेश्चन. तो कितनों ने किया आंसर? होमवर्क क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग एरियाज बंदीपुर, भीतरकनिका, मानस, सुंदरबन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टाइगर रिजर्व? इनमें से कौन कौन टाइगर रिजर्व है? काफ़ी आसान क्वेश्चन था. टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, जब हमारे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया, तब टाइगर रिजर्व बनाना शुरू किए गए थे भारत में, जिसकी शुरुआत अगर कहा जाए तो महज 9 टाइगर रिजर्व के साथ हुई थी. 1973 में जब किया गया था, वी वर हैविंग जस्ट 9 टाइगर रिजर्व, ठीक है. और अभी 2019 का डेटा अगर उठाएं तो ये बढ़ के क्वांटिटी 50 हो चुकी है. तो 9 से हमने स्टार्ट किया था और आज हमारे 50 टाइगर रिजर्व है. तो अब आपको बताना है कि उनमें बंदीपुर, भीतरकनिका, मानस और सुंदरबन में से कौन सा टाइगर रिजर्व है और कौन सा नहीं है. ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं, 1 and 2, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. तो अर्जुन, आकाश, क्या होगा आंसर? BB 1, 3, 4 करेक्ट आंसर. 1, 3, 4 बिल्कुल सही. नेक्स्ट, इन विच वन अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया आर लोकल पीपल नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज बायोमास? वो कौन सा एरिया होता है प्रोटेक्टेड एरिया जहां पर लोकल पीपल अलाउड नहीं होते? लोकल क्या फॉरेनर भी अलाउड नहीं होते? इन शॉर्ट क्या है, तो ह्यूमन इंटरफेरेंस नॉट अलाउड या ह्यूमन एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड होती है. तो ऐसे कंजर्वेशन क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? क्या उसे बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है, नेशनल पार्क कहा जाता है, वेटलैंड डिक्लेयर्ड अंडर रामसार कहा जाता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? रामसार कन्वेंशन पर कल शाम को मैंने सेशन लिया था, जिन्होंने नहीं देखा अभी देख सकते हो. काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था रामसार का, और जितना भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो सकती थी विद रिस्पेक्ट टू रामसार साइट्स मैंने वहाँ पर कवर किए. अर्जुन, बायोस्फीयर रिजर्व्स, आकाश, व्हाट अबाउट यू एंड अदर्स आल्सो, डू ज्वाइन द सेशन फास्ट. नो आइडिया. द करेक्ट आंसर इज नेशनल पार्क. नेशनल पार्क आपके रेस्ट्रिक्टेड जोन्स होते हैं. जब हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद नेशनल पार्क को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था किसी की भी एंट्री के लिए, ठीक है. और नेशनल पार्क एक्ट जब नेशनल पार्क को जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से गवर्न कर रहे थे, तो वहाँ पर एक आदमी को हमने ये अधिकार दिया था, जिसको हमने बोला था वाइल्ड लाइफ वार्डन. वाइल्ड लाइफ वार्डन बाद में इनको चीफ ऑफिसर बनाते हुए हमने कर दिया था चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन.
इनके आदेश के अलावा कोई और नहीं जा सकता किसी भी उस पे। कंसिडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म बैड बी बर्ड विच ऑफ द अबव इज आर पॉलिनेटिंग एजेंट और एजेंट्स। अब मेरे ख्याल से पॉलिनेशन सब समझते हैं, पराग कण होते हैं पॉलन ग्रेन, इन्हीं से प्लांट्स में पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनका ट्रांसपोर्टेशन कौन करते हैं, इनका वहन कौन करते हैं? बायोटिक फैक्टर भी होते हैं, ए बायोटिक भी होते हैं। बायोटिक मतलब जैविक और ए बायोटिक मतलब अजैविक। बायोटिक में एनिमल्स आ जाते हैं और ए बायोटिक में आ जाते हैं आपके वाटर और विंड। अब इतना समझा दिया, अब तो आंसर कर दो। उदतांशु बी, टू ओनली यानी कि केवल बी। उदतांशु का कहना है केवल बी, अर्जुन का कहना है डी। सो फाइनली टाइम्स अप, मैं जवाब दे देता हूं। करेक्ट आंसर है डी, यानी कि बैट भी होते हैं, बी भी होते हैं और बर्ड भी होते हैं। इन सब के लिए मैं तुमको वर्ड बता देता हूँ। देखो, बी को हम लोग इंसेक्ट में कंसिडर करते हैं और जब इंसेक्ट मदद करते हैं उस चीज़ को कहते हैं एंटोमोफिली, उसको कहते हैं एंटोमोफिली जब इंसेक्ट्स मदद करते हैं। और जब बर्ड्स मदद करती हैं तो उनको कहा जाता है ऑर्निथोफिली। ठीक है, और बैट्स के लिए चिरोप्टेरीफिली। तो तीनों ही मदद करते हैं, तीनों के लिए अलग अलग टर्म्स होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। इनमें से कौन सा एंडेंजर्ड स्पीशीज को बिलोंग करता है? 2012 का सवाल है और एंडेंजर्ड पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी हम देखते हैं, अगर आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस रीड करते होगे तो अक्सर कोई ना कोई स्पीशी का डिस्कवर होना या एंडेंजर्ड होने पर न्यूज़ बननी रहती है। IUCN की लिस्ट जारी करते रहते हैं, हमेशा उसका हवाला देके किसी ना किसी के बारे में बताते रहते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। प्रीति, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? कभी कभी हो सकता है तुमसे IUCN का फुल फॉर्म पूछ लें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, याद रखना IUCN का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। स्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका 1964 में IUCN का। इसका रेड लिस्ट सबसे ज्यादा चर्चाओं पे रहता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड की बात करता है। प्रीति, आकाश, अर्जुन और दितांशु, अभी तक जवाब नहीं मिला मेरे को। गलत सही जो लगता है बोलो, कहते नहीं जो होगा देखा जाएगा। टाइम्स अप, द करेक्ट आंसर इज ए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मस्क डियर, रेड पांडा और एशियाटिक वाइल्ड एस। ये एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में है, ए। डी नहीं था प्रीति, ए था, लेकिन लेट कर दिया आंसर करते करते। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ ज्योग्राफिकल एरिया। बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी में आपका आ गया फ्लोरा एंड फौना,
इस फ्लोरा एंड फौना के लिए दिक्कत कौन पैदा करेगा जो इसका हैबिटेट डिस्ट्रॉय करे? मैं कल वेटलैंड के इसमें भी बता रहा था कि हैबिटेट को प्रिजर्व करने के लिए ही वेटलैंड को प्रिजर्व करना स्टार्ट किया गया था। अर्जुन इसका सी है या पिछले वाले का सी है? प्रीति, आकाश, अर्जुन, उदितांशु, ए 1 2 3, प्रीति का बी है। देखो अब हैबिटेट डिस्ट्रॉय कैसे होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाए, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से सपोज करो कोई एरिया है जो ओशन के किनारे है और ओशन के किनारे का जो इकोसिस्टम है वो उसका हैबिटेट है। कल को ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या होगा? वाटर लेवल राइज करेगा तो वो पर्टिकुलर लैंड तो सबमर्ज हो जाएगा, तो यानी कि हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दिया ग्लोबल वार्मिंग ने, तो ये एक थ्रेट बनता है। फिर फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, उसके हैबिटेट के फ्रैगमेंटेशन किसी बायोलॉजिकल या किसी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो जाए। तीसरा, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज, कोई ऐसी स्पीशी आए जो उसका हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दे या उसको ही डिस्ट्रॉय कर दे। जैसे हम लोग मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ख़त्म करने वाले आर्यंस थे, ऐसी थ्योरी दी जाती है। तो एक तरीके से आर्यंस का रहन सहन क्या था? अलग था। IVC वालों का, इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों का अलग था। तो उन्होंने इन्वेड करा तो वो एक एलियन स्पीशीज हो गए, इनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दिया, इनको डिस्ट्रॉय कर दिए। तो ये तीन हैं कारण जिनसे हो सकता है, लेकिन वेजिटेरियनिज्म प्रोपोगेट करने से या प्रमोट करने से कभी भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज ए, जो कि दिया उदितांशु ने। गुड उदितांशु। ये असल में गलत है, दिस इज द रॉन्ग वन, इट इज 1 2 3, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग ब्लैक नेक्ड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्विरल, स्नो लेपर्ड। कंसिडर द फॉलोइंग ब्लैक नेक्ड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्विरल, स्नो लेपर्ड। विच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया? इनमें से नेचुरली भारत में क्या पाए जाते हैं? देखो बहुत आसान है, इनको तो अभी लाया है, अभी लाए गए हैं कि नहीं? कहाँ से? नामीबिया से। और नामीबिया कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। चीता का सबसे ज्यादा जो आप पाते हो वो अफ्रीका में पाते हो। बाकी एशियाटिक चीता, अगर कभी आपसे कोई पूछता है कि एशियाटिक चीता कहाँ पाए जाते हैं, अभी भी इक्का दुक्का जो बचे हैं वो पाए जाते हैं ईरान में, ठीक है? तो चीता तो हो ही नहीं सकता। तो टू वाला ऑप्शन ये था, टू वाला ऑप्शन ये था, टू वाला ऑप्शन ये था, ये तीनों कट गए, तो सही आंसर क्या है? 1 3 4, मतलब ऑप्शन से भी आप आराम से कर सकते हो। और मैंने देखा उदितांशु ने सबसे पहले जवाब दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग फौना ऑफ इंडिया, घड़ियाल, लेदर बैक टर्टल, स्वैम डियर। विच ऑफ दीज आर एंडेंजर्ड? इनमें से कौन कौन एंडेंजर्ड है?
फ्रॉम मंडे वी विल बी स्टार्टिंग विद हिस्ट्री PYQ. और क्वेश्चन का क्वांटिटी 15 कर देंगे, 15 क्वेश्चंस विथ फुल डिस्कशन, बट आई वॉन्ट एवरीबडी टू लर्न एंड कम. इसी ट्रेंड एनालिसिस को अगर आप समझ लो ना, तो आप UPSC को काफी अच्छे से क्रैक कर सकते हो, काफी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो. घड़ियाल, लेदरबैक टर्टल, स्वैम डियर. देखो, घड़ियाल सबसे पहली बात तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि रिवर्स में रहते हैं. और घड़ियाल के लिए जो फेमस चीज़ है कि ये फिश ईटिंग होते हैं. लेदरबैक टर्टल ये बहुत ही बड़े आकार के होते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट कहा जाता है इनको, ठीक है. स्वैम डियर जिसको हम लोग बारह सिंघा कहते हैं, स्पेशली यूपी और एमपी में मिलता है. उदितांशु का आंसर ए है, प्रीति का सी है. कंप्यूटर महाशय लॉक किया जाए. करेक्ट आंसर ए, वेरी गुड उदितांशु. वन एंड टू ओनली, यानी कि घड़ियाल और लेदर बैक टर्टल. स्वैम डियर आपके एंडेंजर्ड नहीं आते. अ पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. कोई स्टेट है भारत की जिसकी कैरेक्टरिस्टिक है. पहला, इट इज लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड विच पासिस थ्रू नॉर्दर्न राजस्थान. सेकेंड, इट हैज ओवर 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर. थर्ड, ओवर 12% ऑफ द फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट्स प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन द स्टेट. फास्टर, कौन सा स्टेट है इनमें से जहां पर 80% फॉरेस्ट कवर है? हमारे देश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पर है, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर? और फिर सेकंड पे कौन आता है? पता है, मैक्सिमम है मिजोरम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 90%. सेकंड पे लक्षद्वीप. AT4% अप्रोक्स. नहीं, एरिया वाइज सबसे ज्यादा मिजोरम में 90%, लक्षद्वीप 84%. कितना परसेंटेज एरिया? परसेंटेज एरिया, हाँ. वैसे टोटल एरिया लेकर आओगे तो फिर MP आकाश. परसेंटेज एरिया में सबसे ज्यादा मिजोरम है 90%, लक्षद्वीप 84%, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश. द करेक्ट आंसर इज ए, अरुणाचल प्रदेश. यस, अरुणाचल प्रदेश का 80% है, ठीक है. अगर बताया जाए कि नॉर्दर्न राजस्थान से जो लैटिट्यूड पास करता है, उस लैटिट्यूड में कौन कौन सी स्टेट है, तो यूपी है, यूपी के अलावा असम है, असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश है, इसके अलावा सिक्किम है. विद रेफरेंस टू द वेट लैंड ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द कंट्रीज टोटल जोग्राफिकल एरिया अंडर द कैटेगरी ऑफ वेट लैंड इज रिकॉर्डेड मोर इन गुजरात एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स. सेकेंड, इन इंडिया टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ कोस्टल वेट लैंड लार्जर देन दैट ऑफ वेट लैंड्स, बेसिकली इनलैंड वेट लैंड्स, लार्जर देन दैट ऑफ इनलैंड वेट लैंड्स. उदितांशु, आकाश, अर्जुन, प्रीति, आंसर करो फास्ट.
आकाश का A1 ओनली, गुड, वेरी गुड आकाश। एंड टाइम्स अप। देखो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से अगर देखोगे तो गुजरात में सबसे ज़्यादा एरिया वाइज आपका वेटलैंड आता है। अब वेटलैंड है क्या? कोई भी लैंड जो वेट हो, वेट मतलब फ्लड थोड़ा बहुत हो, अप टू अ हाइट ऑफ 6 इंच, 6 इंचेस की हाइट तक अगर वहाँ पर फ्लड है मिनिमम, तो उसको वेटलैंड कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और भारत में अगर कहा जाए तो कोस्टल वेटलैंड काफ़ी कम है, अप्रॉक्सीमेटली 27%, और इनलैंड वेटलैंड बहुत ज़्यादा है। इनलैंड वेटलैंड की क्वांटिटी 63% के आसपास है, ठीक है। और अगर टोटल वेटलैंड देखोगे इंडिया में तो इट इज़ 27,403 वेटलैंड इन इंडिया, और जिसमें कि इनलैंड वेटलैंड की बात करें तो 24,444 है। तो डेटा देख सकते हो, ये टोटल है और ये इनलैंड पे है, तो इनलैंड एरिया वाइज कितना ज़्यादा हो गया, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं तुम्हें एक और फैक्टिंग के बारे में बताऊं वेटलैंड्स का, कि रामसार साइट्स के थ्रू वेटलैंड्स को कंजर्व करते हैं। अभी भारत में 75 रामसार साइट्स हो चुकी हैं, ठीक है, रिसेंटली हुई। द एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन इज इंक्रीजिंग, वाई इज दिस फिनोमिना कॉज ऑफ कंसर्न? ओशन का एसिडिफिकेशन बढ़ता जा रहा है, ये फिनोमिना कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है? सॉरी, द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कैलकेरियस फाइटोप्लैंक्टन विल बी एडवर्सली इफेक्टेड, द ग्रोथ एंड सर्वाइवल कोरल रीफ विल बी एडवर्सली इफेक्टेड, द सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल दैट हैव फाइटोप्लैंक्टोनिक लावा विल बी एडवर्सली इफेक्टेड, द क्लाउड सीडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। नाउ टाइम्स अप, द करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2, 3, 4, एवरीथिंग विल हैपन इफ एसिडिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस। क्लाउड पर भी इम्पैक्ट आएगा क्योंकि इवेपोरेशन कम हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग, स्टार टॉर्टोइस, मॉनिटर लिजर्ड, पिगमी हॉग एंड स्पाइडर मंकी, विच ऑफ द अबव इज फाउंड इन इंडिया? इनमें से भारत में कौन कौन पाया जाता है? वर्षा लेट हो गए, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आई वॉन्ट एवरी वन ऑन टाइम, 1 PM शार्प, बी ऑन टाइम। बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की गाइडेंस में अगर आप प्रिपेयर करोगे ना तो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा। इफ यू सी, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग यू चैप्टर वाइज। सो आई थिंक टाइम्स अप फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो, द करेक्ट आंसर इज 1, 2, 3, यानी कि स्टार टॉर्टोइस, मॉनिटर लिजर्ड, पिग्मी हॉग, दीज थ्री आर फाउंड इन इंडिया बट नॉट स्पाइडर मंकी।
All right, now this is the last question, that is the homework question for you guys. Consider the following prayers: Nokrek Biosphere Reserve, Garo Hill, Loktak Lake, Barel Range, Namdafa National Park, Dafla Hills. So which one of the above is are correctly matched? आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में एंड आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर इन द नेक्स्ट सेशन दैट इज ऑन मंडे. ऑलराइट, बट टुमारो आई विल जस्ट ट्राई टू हैव अ वर्ड विद यू ऑल. तो इसको हम लोग मिलेंगे कल. कल आप होमवर्क सेक्शन, इसका होमवर्क कमेंट सेक्शन में मेरे को जवाब चाहिए. एवरीबडी डू आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, सो आई विल लुक ऑन टू इट दैट. नाउ जैसा कि हम हमेशा ही बताते हैं, यूपीएससी बैच 2023 विद लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स. कल एक बच्चा कोई डाउट पूछ रहा था कि कैसे कंप्लीट होगा. यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द रिकॉर्डेड लेक्चर्स. स्टार्ट वॉचिंग ऑल दोज रिकॉर्डेड लेक्चर्स गाइज, दोज हु हैव नॉट स्टार्टेड येट. एंड यू आर ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड विद एनसीईआरटी लेक्चर्स अलॉन्ग विद एनसीईआरटी बुक. तो आपका एनसीईआरटी भी आप आसानी से यहाँ से ही कर सकते हो. आपको अलग से उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. इन दिस बैच वी आर प्रोवाइडिंग यू बोथ द थिंग्स. और लाइव क्लासेस तो आपकी वीकली चल रही हैं, जिनको मैं और ज़्यादा आपके लिए ओरिएंटेड बनाना चाहता हूँ, यानी कि कस्टमाइज करना चाहता हूँ. दैट इफ़ यू वॉन्ट एनी थिंग टू बी डिस्कस टू लेट मी नो. प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की गई हैं, 35 प्लस टेस्ट हैं जिनमें, उसके बाद मेन्स टेस्ट सीरीज, 18 बुक्स आप तक पहुँचा दी गई हैं, हार्ड कॉपी, पर्सनल मेंटरशिप, मंथली मैगजीन विनर सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म का एक्सेस, रिविजन क्वेश्चन, करेंट अफेयर्स एंड डेली क्विजेस. सो एवरीथिंग इज बींग प्रोवाइडेड यू एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट. तो आप इसको अभी अवेल कर सकते हैं जो लोग अभी भी स्टार्ट करना चाहते हैं. मैंने दिशा पब्लिकेशन वाले चैनल पर आपको 6 मंथ स्ट्रैटेजी का भी वीडियो दिया था. लिटरली मैं आपसे दावा करता हूँ उस चीज़ को लेकर. अगर आप कुछ नहीं पढ़ा है लेकिन समय दे सकते हो तो इस वीडियो को देख लेना, 6 मंथ स्ट्रैटेजी पर ध्यान दे लेना. एंड आई बिलीव अगर आप ढंग से तैयारी कर लोगे उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम निकलेगा. सो गाइज, बाकी कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी आप कुछ भी दिक्कत आती है, टेक दिस नंबर, कॉल मी फॉर एनीथिंग, फॉर एडमिशन, फॉर डिस्काउंट, फॉर क्वेरी, एनीथिंग. इफ़ यू नीड मी जस्ट कॉल ऑन टू दिस नंबर. ऑल राइट, 9792456777 द नंबर इज़ राइट ओवर हियर. और ये नंबर आपको व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा. ऑल राइट, सो एडमिशन, डिस्काउंट, क्वेरी, इवन फॉर बुक्स एंड गाइडेंस, इफ़ यू वॉन्ट एनी थिंग जस्ट कॉल मी अपॉन एंड आई एम देयर टू हेल्प यू विद दैट. ऑल राइट, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड गॉड ब्लेस यू गाइज. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. और हाँ, SSC GD का भी बैच स्टार्ट हो चुका है. SSC GD की बम्पर वैकेंसी हो चुकी है. अब तो लिटरली बोला जाए पहले 24,000 के अप्रॉक्स थी, अभी वो बढ़ के 45,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हो चुकी हैं, 45,284 वैकेंसीज. तो SSC GD की बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं उनको भी आप बता सकते हो. वेरी नॉमिनल कॉस्ट, पूरा पूरा बैच विद लाइव क्लासेस, टोटल 30 डेज क्रैश कोर्स लाइव क्लासेस. और उसके साथ साथ एडिशनल तौर पर आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी इसमें दिए जा रहे हैं अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस टेस्ट. और ये भी फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट जो कि डेली होगा, यानी कि 25 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट और लास्ट में 5 ओवरऑल आपका कितना तैयारी हुआ है उसका भी. ठीक है, राज, अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो तो मैं आपसे कहूँगा यू हैव 3 ईयर्स और लिटरली आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो. ठीक है, यू हैव माई नंबर राज, मेरे को कॉल कर लेना, मैं तुम्हें पूरा बता दूंगा कि आप किस तरीके से चलो. कि स्लोली भी अगर आप चलते हो ना तो भी आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा. बस लास्ट में जो आपको अपडेट करना होगा वो होगा करंट अफेयर्स. इवन मैं आपको नोट्स बनाने का तरीका बता दूंगा कि कल को अगर आप करंट अफेयर्स के बेसिस पे अपने सब्जेक्ट नोट्स को अपडेट करना चाहोगे तो कैसे करोगे. क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं सर ऐसे लिख डाला है, उसमें कैसे ऐड होगा, क्या करें, क्या छोड़ना है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किनको हमें नोट्स में रखना चाहिए, किन्हें नहीं रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा. ऑलराइट, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही है. सेशन को शेयर कर दीजिएगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा एंड डू सब्सक्राइब. राज, दिस इज़ माई नंबर, यू कैन टेक इट फ्रॉम हेयर. ऑलराइट,
और सेशन को वॉच ज़रूर कर लेना, डू वॉच द सेशन वंस अगेन. ऑलराइट, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय.